हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एंड के जॉब्स कार्नर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंजाब नेशनल बैंक में जो रिक्रूटमेंट आई है उसके रिलेटेड। यहां पर 6 वैकेंसीज हैं टोटल पार्ट टाइम स्वीपर की। यहां पर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, कुलगांव, गांधरबल और श्रीनगर के लिए हैं। क्वालिफ़िकेशन बिलो 10th होना चाहिए, ठीक है, 10th पास नहीं होना चाहिए। एज आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 24 होनी चाहिए, 18 से 24 के बीच में होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल, SC ST फिजिकली या आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड 15 साल, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल रिलैक्सेशन है, OBC फिजिकली या आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड 13 साल, उसके बाद अनरिजर्व्ड फिजिकली आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड 10 साल, एक्स सर्विसमैन इन एडिशन टू द लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो मिलिट्री सर्विस के बगैर अगर आप एज में फाल करते हैं तो उसके लिए 3 साल रिलैक्सेशन है। उसके बाद यहाँ पर चिल्ड्रन फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, तो इनके लिए है 3 साल रिलैक्सेशन। तो इन्होंने यहाँ पर बताया मैक्सिमम रिलैक्सेशन 45 ईयर जो है वो हो सकती है। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनकी वैकेंसीज कितनी कितनी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अनंतनाग के लिए 1 वैकेंसी OBC की है, 1 अनरिजर्व के लिए है, टोटल 2 वैकेंसीज हैं। कुलगाम के लिए 1 ही वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। इसी तरीके से गांधरबल के लिए ST की 1 वैकेंसी है, श्रीनगर के लिए 1 EWS की है, 1 अनरिजर्व की है। नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आप 10th का सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा सकते क्योंकि 10th पास एलिजिबल ही नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको वो लगा सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है वो लगाना, डोमिसाइल लगाना, उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज़ जो है कलर्ड फोटोग्राफ वो लगाना, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इनरोलमेंट कार्ड, तो अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इनरोल किया तो वहाँ पर एक कार्ड मिलता है, तो वो आपको वो भी लगाना है। ये सारे ज़रूरी हैं। EWS के लिए वो है वो भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है, जो EWS से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल जो है वो अप्लाई कर सकता है, मतलब वहाँ का ही रहने वाला जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है उस पोस्ट के लिए। तो लास्ट डेट जो रहेगी वो 21/8/2021, यानी 21 अगस्त 2021। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है स्पीड पोस्ट के ज़रिए। एड्रेस इस तरीके से रहेगा, डिप्टी सर्कल हेड HRD सेक्शन पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस 1st फ्लोर होटल रेजिडेंट सोनवार, बादामी बाग, श्रीनगर 19004, ठीक है, ये कंप्लीट एड्रेस है। तो 21/8 से पहले पहले अप्लाई करना है, तो स्पीड पोस्ट में थोड़ा जल्दी अप्लाई करना चाहिए क्योंकि बाद में फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। जो लिस्ट सिलेक्ट लिस्ट होगी उसको पता क्या करना है वो आप देख सकते हो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक सर्कल ऑफिस श्रीनगर, तो वहाँ पर लगाई जाएगी, ठीक है, नोटिस बोर्ड के ऊपर। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड करने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ जो है वो सेंड करनी है। फॉर्म इस तरीके से, ये फॉर्म है और साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ लगा के इनवेल्प के अंदर डाल के एड्रेस जो मैंने बताया उस एड्रेस पर जो है वो सेंड कर देना है आपको फॉर्म अपना। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें कोई नहीं रखी है, मतलब जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम स्वीपर वैकेंसीज़ के लिए। तो इस तरीके से था ये नोटिफिकेशन। तो ऐसे ही अगर आप और नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी
ऑन कर लें, इससे आपको फर्दर अपडेट जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करें, डेली अपडेट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में किसी और नोटिफिकेशन के साथ।